हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष, जैसे मुझे जानते मेरे चैनल टेक्निकल लवली मनी चैनल, दूसरा स्विम बाय मनी टेक्निकल लवली मनी के चैनल, प्राइस बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आज की जो वीडियो है, आज हम पतंग वर्सेस जो होली के गुब्बारे होते हैं इनको हम इसके साथ बांध के उड़ाने वाले हैं। इसके नीचे पूंछ भी बना के इनको काफ़ी जगह फुला देंगे, पानी से नहीं फुलाएंगे, वैसे ही फुलाएंगे। ये होली वाले क्या होते हैं कि फुलाते फुलाते फट जाते हैं काफ़ी, तो मेरे पास इससे थोड़े बड़े भी है। बाई चांस पतंग हम ज़्यादा दूर उड़ा दें तो हमारे पास बड़े गुब्बारे भी है, पर है कि ये होली वाले साइज से थोड़े से बड़े ही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और तो फ्रेंड्स, गुब्बारे फटाएंगे अब जल्दी जल्दी से, फॉरवर्ड में दिखा दूंगा आपको। और ये गुब्बारे ये फटेंगे फटेंगे, जो नहीं फटे ना। तो फ्रेंड्स, ये सारे गुब्बारे फुला ले हैं, इनको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके इतने ही और फुला लेंगे, ये बड़े वाले भी फुला लेंगे, लंबी सी डोर बनाएंगे, फिर पतंग को उड़ाएंगे, फिर उसके साथ बांध देंगे। तो चलो चलते हैं अब ऊपर। तो फ्रेंड्स, सीन कुछ ऐसा है, छत पे आ गए, हमने गुब्बारे फुला लिए, टेप के साथ लगा दिए है। इसका बेनिफिट क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली जड़ने लग जाएंगे, नीचे गिरने लग जाएंगे। और मैंने ऐसे ऐसे करके देख लिया, ये गिर नहीं रहे, हम ब्लैक वाला पतंग उड़ा रहे हैं, चाहे ये गोल हो चाहे कुछ हो, ये फंसेंगे नहीं। पहले मैंने सोचा डोर के साथ गैप दे के करेंगे, पर नहीं, ये करना है। कन्नू है ना तेरा नाम, और तेरा नाम क्या है? कलश, इसका नाम कलश है। तो नीचे मेरी शॉप है, मैं आज शॉप पे मतलब कि घर में वीडियो नहीं शूट कर पाया तो मैं यहाँ पे आ गया, वीडियो शूट करनी थी। तो चलो अब जल्दी जल्दी उड़ाते हैं, आई होप कि आपको अच्छे लगे हो, मेहनत बहुत लगी है। पहले हम वो नीचे जो पिंक वाला पतंग पड़ा है वो उड़ाने वाले थे, पर वो हल्का है, देखते हैं अभी वो ज़्यादा बेटर रहेगा या ये रहेगा। तो चलो उड़ाते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। लून वर्सेस काइट। तो फ्रेंड्स, पतंग उड़ाने के लिए तैयार है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही, ये देख लो कुछ ऐसे है, अभी और लंबे कर सकते हैं पर वो उसमें पड़े हैं। पहले हम इसी को उड़ाएंगे, देखेंगे कितने जड़ते हैं कितने उड़ते हैं। तो ये उड़ा रहे हैं, मैं कर नहीं दूंगा तीन।
दोस्तों को भी बारी है, बारी का कुछ सीन नहीं है, दरअसल की हवा ही नहीं है। दो बार उड़ते हैं, नहीं ट्राई की जाएगी दो बारों के साथ, नहीं तो लास्ट में हमारे पास एक और ब्रह्मा होली के दिन आ रहे हैं। पतंग के नीचे पीछे लगा के ये कलर बड़ा आराम से छोड़ रहा है, अभी ये फटेगा, ये देखो पट हेड शॉट। तो फ्रेंड्स देखो ऐसे पतंग उड़ाने की कोशिश पूरी की जाएगी, ठीक है। पतंग उड़ा ऐसे उड़ा, तो ऐसे पतंग उड़ाएंगे और ओ फट गया एक गौरा, ये देखो गौरे हमारे ऐसे पड़े हैं, पतंग ऐसे भी नहीं उड़ रहा, मतलब कि हवा नहीं आएगी, थोड़ी सी हवा होती तो ये ऊपर उड़ जाता, अब ये थोड़ा सा ऊपर उड़ जाए फिर हम इसको डोर के साथ बांध देंगे, फिर डोर भी बढ़िया लगेगी। तो इसको पहले थोड़ा ऊंचा उड़ा लेते हैं, पर हमने कोशिश पूरी की, ट्राई पूरी कर रहे हैं, तो चलो एक बार पतंग को उड़ा के फिर आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स हवा बिल्कुल नहीं चल रही, पतंग ऐसे पड़े हैं, गुब्बारे अपने ऐसे पड़े हैं, वैसे हम इसके ऊपर वैसे ऐसे डांस भी कर सकते हैं, ऐसे 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 वाला वो नहीं करेंगे, पर हम इसके साथ होली क्रैकर्स का कुछ मज़ा ले लेते हैं। हम होली क्रैकर्स गुब्बारे के साथ कुछ ऐसे लगा देंगे, एक मिनट रुक जाओ मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये टेप लगी हुई ना मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। पतंग तो उड़ानी, हमने कोशिश कर ली पूरी, काला पीला नीला पतंग सारा उड़ा के देख लिया। ये जैसे होली का क्रैकर है, ये इसके ऊपर टेप लगी हुई है, देखो ये इसके ऊपर टेप लगी हुई है, टेप तो लगी हुई है, इसके साथ हमने ये लगा दिया, ये होली का क्रैकर्स लग गया, इसको लगा देंगे आग, कैमरा पकड़ियो, तो इसको लगा देंगे हम आग, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अरे ये तो आग लगाते सर भी फट जाएगा, नहीं नहीं आग लगाने के बाद लगाएंगे, आग लग गया फट गया वो, हमें ना आग लगा के पहले उसको आग लगानी पड़ेगी, पहले उसको आग लगानी पड़ेगी फिर करना पड़ेगा, एक मिनट रुक। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते हैं एक बार फिर से, पहले हम गुब्बारे इसको आग लगाएंगे, यार धोखा हो जाता मेरे साथ, ये फट नहीं जाए जल्दी से, धोखा हो गया, धोखा हो रहा है मेरे साथ, एक मिनट एक मिनट। अब देखो नुस्खा तो निकाल ही लेते हम, गुब्बारा उसके साथ लगता ही मर जाता है, ये देखो अब देखते हैं क्या होगा, गुब्बारों के बीच में धुआं, तीन चार पटाखे इकट्ठे बनेंगे, देखा आपने, मतलब कि जब गुब्बारा पटाखा फटा उसने तीन गुब्बारे फोड़े हैं, अब हम क्या करेंगे दो चार मतलब इकट्ठे करके ना फिर फोड़ के देखते हैं। दो पटाखे ठीक है, तीन ले लेते हैं, चार ले लेते बस, अब चारों को एक साथ आग लगा के और बैक कैमरे से लगा, चार पटाखे यहाँ पे, एक फट गया ओपड़ा फट गया, एक से फट गया, फटेगा गुब्बारे नहीं फटे, फट गए वो भी फोड़ दे, वो बड़ा पीछे पड़ा। तो फ्रेंड्स हमारा प्लान तो थोड़ा हवा ने फेल कर दिया है, उसके अंदर पड़ा था, तो पहले हमने ये पतंग उड़ा के देखा, नहीं उड़ा, हवा नहीं चल रही थी, फिर ये उड़ा के देखा, ये भी नहीं उड़ा, तो चलो एंड करते हैं वीडियो। सीन है कुछ ऐसा कि पतंग उड़ा के देख लिए नहीं उड़े, गुब्बारे अपने फाड़ के देख लिए वो भी चलो फट गए, कैसे फट गए, तो अब लास्ट में हमारे पास पड़ा है बीडी बम कलर वाला, ठीक है, इसको हमने वापस डब्बी में डाल देना है, वो डब्बी में डाल के फेंक दिया, ये फेंक दिया, देन अपना एंड होगी वीडियो का, ए फट जा कहीं तो फट जा, फट गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कोशिश तो हमने पूरी की थी, यही वीडियो हम दोबारा से बना लेंगे, और हवा चल रही होती तो काफ़ी अच्छा लगता, पर चलो वीडियो बना के काफ़ी अच्छा लगा, और तुझे अच्छा लगा वीडियो बना के।
तो फ्रेंड्स आज के दिन काफी है, बाय फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। कल किसी और कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। हैप्पी बसंत पंचमी सबको। चार दिन रह गए हैं और आज हैगी 12 तारीख, 16 तारीख की बसंत पंचमी है, पतंग उड़ाना। बसंत पंचमी वाले दिन कुछ स्पेशल वीडियो आएगी, तो सब्सक्राइब कर लो। बाय।